बरेली में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण जिला प्रशासन ने बीते सालों की तरह विशाल जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी थी। महज 25 कारों और 25 बाइक्स के साथ जुलूस निकालने की अनुमति थी, लिहाजा सांकेतिक तौर पर जुलूस निकाला गया। दरगाह आला हजरत के सरपरस्त सुभानी मियाँ और सज्जादा नशीन मुफ्ती अहसन मियाँ ने परचम को सौंप कर जुलूस को रवाना किया। कोहड़ा पीर से शुरू हुए जुलूस को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। जुलूस में मोहम्मदी के मंच से लगातार लोगों से अपील की गई कि जिन लोगों को पास जारी किए गए हैं केवल वही लोग जुलूस में शामिल हो सकते हैं, बाकी लोगों से घर पर रहकर ही नबी का मिलाद मनाने का आह्वान किया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत का जश्न आज सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी की ये सरजमी है, आला हज़रत सच्चे आशिक रसूल थे, उन्हीं के ही औलाद यानी कि हुजूर रेहान मिल्लत की ये देन है जुलूस मोहम्मदी। इस बार ये जुलूस कोरोना वायरस COVID-19 के मद्देनजर रखते हुए सीमित संख्या में सांकेतिक तौर पर मनाया जा रहा है, जिसमें 25 जो कारों की हम लोग को इजाज़त मिली है प्रशासन से वही कारें रहेंगी, 25 ही मोटरसाइकिलें रहेंगी। अब से कुछ ही देर बाद दरगाह के जो सरपरस्त हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद सुबहान रजा खान सुबहानी मियाँ साहब और सज्जादा नशीन मुफ्ती अहसन रजा खान कादरी अहसन मियाँ साहब यहाँ पहुँचेंगे, परचम को सौंप कर ये जुलूस अपने कदीमी रास्तों कोढ़ा पीर कुतुबखाना नवल्टी इस्लामिया स्कूल बिहारपुर ढाल के रास्ते दरगाह आला हज़रत पर पहुंचकर अपना इख्तिताम पज़ीर होगा। COVID-19 को लेकर लोगों से अपील की गई है कि लोग जो है मास्क लगा कर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जितने लोगों को इजाज़त दी है वही लोग जुलूस में शामिल हों, बाकी लोग अपने घर में खुशियाँ मनाएं।